किसी भी बात का हल जो है मीटिंग से ही निकलता है। मीटिंग बार बार रिपीटेड हो रही है, बर्बाद प्रधानमंत्री और उनकी टीम इन बिलों को फायदे गिनाने में लगे हुए हैं। हम उनकी परत परत खोल रहे हैं भी इनको नुकसान बड़े है, फायदा नहीं होगा नुकसान ज्यादा है। वो बार बार मीटिंग रिपीट हो रही है। एक हमारा कहना था पहले दिन से ही, हमने सभी मीटिंगों का बाइकाट किया था, पहले दिन से 507 संगठन है पूरे देश के, सभी को क्यों नहीं बुलाते मोदी जी? 32 बुला लेते हैं, बाकी को छोड़ लेते हैं, सभी को बुलाने में क्या मतलब घाटा पड़ जाएगा कोई? सभी को बुलाकर जब सभी किसानों की, सभी देश के किसानों की मुश्किलें एक हैं, मांगे एक हैं, सभी को बुलाकर खुद मीटिंग लें और मीटिंग लेकर इसका समाधान क्यों नहीं निकालते? हम नहीं जाएंगे, तय कर लिया है हम मीटिंग में नहीं जाएंगे, उतनी देर नहीं जाएंगे जितनी देर देश के सभी 507 संगठन के नेताओं को बताकर मोदी जी खुद मीटिंग नहीं लेते। मीटिंग में एक और पैंतरा खेला जाएगा, मीटिंग में एक और रास्ता निकाला जाएगा कि कैसे इस आंदोलन को और चलाया जाए, कि इनको कैसे तोड़ा जाए। इनको तोड़ने की तैयारी की जा रही है, इनकी जड़ें खोदने की तैयारी की जा रही है। अगर कुछ करने का मानस होता तो इनको पहले दिन से पता है। क्या इनको 3 महीने से पंजाब में बैठे किसान दिखाई नहीं दिए? इनको पता नहीं है कि क्या आंदोलन के अंदर, क्या इनके बिल के अंदर कमियां रह गई हैं? इनको पता है, लेकिन नहीं, ये ऐसा रास्ता निकालेंगे कि ये कमजोर हों, ये टूटें और टूटने के बाद यहां से चले जाए। लेकिन ये जाने वाले नहीं है, ये बॉर्डर पर जाके भी सीना अड़ाता है किसान, और यहां पे भी सीना अड़ा रहा है किसान आज, और छाती फाड़ के जमीन की सोना उगाता है। तो ये यहां पे अपने हकों के लिए लड़ना और मरना भी चाहता है। एक डेलीगेशन जाएगा और उसमें सब वो ज्वाइंट डेलीगेशन है, यहाँ से भी लोग जाएंगे, उसमें बता देंगे उन्हें पॉइंट टू। ये जो मसले हैं ये लिखित में उससे नहीं होंगे। ये अगर सरकार चाहेगी कि इसको खत्म करना है तो ये मसले जब खत्म होंगे, जब सरकार चाह लेगी, जिस दिन सरकार मन बना लेगी उस दिन ये खत्म हो जाएंगे जो गतिरोध बने हुए हैं। पब्लिक घटेगी सरकार बढ़ेगी, पब्लिक बढ़ेगी सरकार घटेगी, अभी ऐसे चलेगा। तो जितने भी देश में किसान संगठन हैं उन सबको इस टाइम पे सड़क पर आ जाना चाहिए। देश में आंदोलन की शुरुआत हो गई है और ये 32 साल बाद में फिर आंदोलन शुरू हो रहा है, तो इसमें जितने भी संगठन हैं देश में उन सबको आंदोलन अपने घर पे, अपने खेत में, अपनी सड़क पे, अपने गांव में, वहां पर आंदोलन को शुरू कर देना चाहिए।